2 साल पूरे होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, दो साल पूरे हो गए सरकार के, 2 साल आप कैसे 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 आप देख रहे हैं इसको? शानदार, बेमिसाल। 2 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक है, सफलतम है, प्रदेश में विकास भी है, खुशी भी है, और विरोधियों में डर और भय भी है कि मोदी जी का 5 साल और योगी जी का 2 साल जिस प्रकार से सफलतापूर्वक बीता है। उत्तर प्रदेश में 2014 और 17 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिलेगी। आप मानते हैं कि ये 2 साल जो है ये लोकसभा चुनाव में प्रभावी होंगे, ये क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए मैंडेट था, लेकिन ये 2 साल है महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, वह अंदर से डर गए हैं कि जिस तेजी से कमल के फूल की बयार चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी की लहर चल रही है, उसके सामने वो टिक नहीं पा रहे। एक सवाल, ये जो महागठबंधन है या फिर प्रियंका गांधी का जो इफेक्ट है, खासतौर पे जो जल यात्रा कर रही है गंगा जी में, उसका विपक्ष कह रहा है इसका बहुत फायदा मिलने जा रहा है, कांग्रेस कह रही है? नहीं, उनको कहने दीजिए ना, जिस दिन 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई तब ये पता चलेगा लोगों को कि जहां भी जा रही हैं वहां मोदी जी जिंदाबाद, कमल के फूल की बयार है, सब जगह मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, गंगा मैया के जयकारे के नारे लग रहे हैं, और यह परिणाम नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण आया। बहुत बधाई 2 साल के लिए। तो केशव मौर्य थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और उनका कहना है कि 2 साल सफलतम रहे हैं और इन 2 सालों में बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में इन 2 सालों का प्रभाव दिखेगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। योगी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता फरमान अब्बास मंजुल ने। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दिनेश जी, 2 साल पूरे हुए, क्या उपलब्धियां रही 2 साल में? देखिए, हमने एक बेहतर सरकार का नमूना पेश किया है। आप प्रत्येक क्षेत्र देख लो, चाहे वो आप शिक्षा का क्षेत्र देखिए, चाहे कृषि का क्षेत्र देखिए, चाहे इन्वेस्टर्स का आप देखिए, चाहे आईटी के क्षेत्र में देखिए, हमने अभूतपूर्व काम किया है। और उसका कारण है कि जो प्रदेश और केंद्र का बेहतर समन्वय 2 वर्ष में दिखाई पड़ा है, उसके कारण आज विपक्षी गबराए हुए हैं, और हमारे कार्यों के कारण आज वो सब मिलकर भी हमारा मुकाबला कर पाएंगे, इस पर उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े करता है उत्तर प्रदेश के। अब जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था नियंत्रण पे है तो वो तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा नारा देते थे कि खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी, तो जो खुली दुकान पर आघात करने वाले लोग होंगे उनको कानून व्यवस्था के नियंत्रण से सबसे बड़ा कष्ट पहुंचेगा। तो 2 साल के कार्यकाल का आकलन करके जनता लोकसभा चुनाव में वोट करेगी? मैं इतना कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, जनता का आकर्षण उनके प्रति है, और यही घबराहट का कारण बना हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है राज्य सरकार का, उससे विपक्ष घबराया हुआ है, और जनता 2 साल के कार्यकाल का जो आकलन करके लोकसभा चुनाव के दौरान वोट करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।